दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वाटर ली नाइट ब्लूमर को बल्ब से किस प्रकार ग्रो कर सकते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम बल्ब से ग्रो करते हैं वाटर लिली को। दोस्तों ये बल्ब मैंने 10 दिन पहले ऑनलाइन मंगाया था, उसके बाद इसे मैंने पानी में डिप कर दिया, तो देखिए 10 दिन में कितनी अच्छी जड़ें निकल आई हैं और काफ़ी अच्छी लीफ निकल आई हैं। अब इसके बाद हम इसको ग्रो करेंगे और जानेंगे किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें जब हम बल्ब से वाटर लिली को ग्रो करते हैं। दोस्तों अब जब भी आप वाटर लिली को बल्ब से ग्रो करें तो सबसे पहले उसे बल्ब को 8 से 10 दिन के लिए पानी में डिप कर दें। आप उसे पानी में डिप करेंगे तो उसके बाद उसमें इस तरीके की सी जड़ें और लीफ निकलेंगी, तो इससे वो आसानी से ग्रो हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी रूट निकली हैं इसमें, और अब हम जानेंगे किस प्रकार का सॉइल मीडिया लें इसको ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरीके का मीडिया लें हम वाटर लिली को ग्रो करने के लिए। तो कोई भी मीडिया आप ले सकते हैं जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आपके गार्डन में, वहाँ की टॉप सॉइल ले सकते हैं, पर लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखें कि उसमें किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कच्चा गोबर या पत्ते या कोई जड़ें वगैरह ना हो। अगर आपके मीडिया में इस तरीके का कुछ कच्चे जड़ें या कच्चा गोबर वगैरह होगा तो उससे आपके पॉन्ड में आपके वाटर बॉडी में एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो कोई भी आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लेकर इसको इस तरीके से टब में भर लें। इसके बाद इसको पानी से भर दें, और पानी से भरने के बाद में कम से कम 1 से 1.5 दिन के लिए इसे छोड़ दें। उसके बाद ये मिट्टी अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी, उसके बाद फिर प्लांटेशन करें। तो अब इसे हम वाटर से फिल कर देते हैं और 1 दिन के लिए इसे छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम बल्ब को प्लांटेशन करेंगे। जब इसमें आप पानी डालें तो एक बात का ध्यान रखें कि आप पानी डालते वक्त या तो हाथ लगा लें या कोई टाइल्स का टुकड़ा रख दें जिससे पानी के गिरने के बाद गड्ढा ना बने। तो इस तरीके से हम टाइल्स का टुकड़ा रख देंगे, उसके बाद इसे हम पानी से फिल करेंगे। फिर टाइल्स का टुकड़ा रखने के बाद इसे हम पानी से फिल करेंगे। देखिए इस तरीके से हम पानी से फिल कर देंगे, उसके बाद 1 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे। ये देखिए मिट्टी की गर्मी बबल्स के रूप में बाहर निकल रही है, ये सेटल डाउन कूल डाउन हो जाएगी 1 दिन में, उसके बाद फिर हम इसे प्लांटिंग करेंगे। अगर आपकी मिट्टी में कुछ सॉइल में कुछ गंदगी है तो आप उसे ओवरफ्लो करके बाहर निकाल सकते हैं। आप पानी को ओवरफ्लो कर दीजिए, जो भी आपकी पानी की सतह पर गंदगी होगी वो बाहर निकल आएगी। दोस्तों ऑलमोस्ट 1 दिन हो गया है, हमारी मिट्टी सेटल डाउन हो चुकी है, अब हम इसमें वाटर लिली का बल्ब प्लांट करेंगे। तो प्लांट करने से पहले हम बीच में मिडिल में एक होल कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से मिडिल में हम एक होल कर लेंगे, और अब इसमें हम बल्ब को शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से बल्ब को हम रख के साइड से ये जो मिट्टी हमने निकाली है इससे हम बल्ब को दबा देंगे। इस तरीके से हम साइड से मिट्टी लेके और उसकी रूट को कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों ये हमने बल्ब को इस तरह लगा दिया है, और अब इसे हम बड़े वाले टब में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद इसमें हम वाटर फिल करेंगे। देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से बड़े वाले टब में के अंदर रख दिया है, और अब इसे हम वाटर से फिल करेंगे। हमें बिल्कुल हल्के हल्के से वाटर डालना है ताकि जिससे हमारा प्लांट डिस्टर्ब ना हो।
तो बिल्कुल धीरे धीरे से वाटर डालकर इसको फिल करेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे से वाटर से फिल करेंगे। इस तरीके से हम इसे वाटर से फिल कर देंगे। दोस्तों अभी हमने इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, बिकॉज़ ये अभी बेबी प्लांट है, अभी इसे किसी भी प्रकार के कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट 45 डेज़ बाद हम इसमें फर्टिलाइजिंग करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का हम कोई भी केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमने इसमें नहीं दिया है। तो अब देखते हैं आफ्टर 45 डेज़ इसकी कितनी ग्रोथ होती है, और आपको फर्टिलाइज़र किस तरह से देते हैं वो वीडियो भी मैं बना के दिखाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।